आज की मांग 286 286 डोंगरे जी महाराज का यह चिंतन है। डोंगरे जी महाराज बहुत बड़े अच्छे श्री कृष्ण भक्त थे और भागवत जी के वक्ता थे। एक संत जैसा उनका परम पावन जीवन था। उन्होंने ऐसा कहा, मैं आप हम सब ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रभु को धन देकर के खुश करूंगा, मान सम्मान पूजन देकर के खुश करूंगा, मैं फला 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 करूंगा। लेकिन डांगरे जी महाराज का कहना है, परमेश्वर परमात्मा जीवात्मा से मन और समर्पण चाहते हैं, और कुछ दो या न दो। और मान लीजिए जब हमने मन दे दिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। प्रभु चाहते हैं, यदि आप लोग मुझको खुश करना चाहते हो, तुम्हारा मन दे दो, जैसा मैं सोचता हूं चाहता हूं, इससे अलग तुम्हारी सोच कभी न होनी चाहिए। तुम मुझको भुला करके इधर उधर क्यों भटक रहे हो? दूसरी बात, भगवान का अभिप्राय और हमारा कुछ और ही, वो मन दिया नहीं है। जिसने मन दे रखा है उसके बारे में प्रभु को कभी किसी भी प्रकार का सोचना नहीं पड़ता, उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। जिसने मन दे दिया वो अपने प्रियतम के बारे में सदैव पॉजिटिव ही रह सकता है, क्योंकि मन अपने पास है ही नहीं, कैसे ऑपोजिट चिंतन थिंकिंग करेगा। और दूसरी बात, ठाकुर जी महाराज समर्पण चाहते हैं, तेरा तुझको अर्पण, हे नाथ जो भी है तुमने तो दिया है। मैं जब पैदा हुआ न कुछ लेकर के आया था, जब जाऊंगा न कुछ लेके जाऊंगा, तेरा ही है, तेरे लिए ही है। यदि हम समर्पण करें, समर्पित होकर के जिए, मेरे ठाकुर महाराज को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे मन देने वाला, समर्पण करने वाला भक्त किसी भी आश्रम में किसी भी वर्ण में हो, वो मेरे प्रभु का प्राण प्रिय है, और कह दो वो मुक्त ही है। ठाकुर जी हमसे क्या चाहते भाई? एक मन और समर्पण। करोड़ों का दान दे दो लेकिन मन नहीं दिया, समर्पण नहीं किया, तो भगवान केवल पुण्य देंगे। उस पुण्य को कन्वर्ट करके जो चाहो उस दुनियावी चीजें प्राप्त करो, लेकिन प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाओगे, अपने आप को प्योरिफाइड नहीं कर पाओगे। इसलिए मन देने की हम सब कोशिश करें, समर्पण करने की कोशिश करें, समर्पित होकर के जिए, प्रभु बहुत बहुत खुश हो जाएंगे, या तो दादा खाचर की तरह हमको भी वश हो जाएंगे।